हेलो एवरीवन, आज मैंने आप लोग के लिए वाटर कलर लैंडस्केप की वीडियो बनाई है, बट इसमें कुछ डिफरेंट है। मींस आप वेट ऑन वेट कैसे वर्क कर सकते हो, तो वो मैंने आपको बताया है। अभी जो मैंने स्काई के लिए कलर लगाया वो फ्रेंच अल्ट्रामरीन एंड स्कारलेट है। तो इस वीडियो में मैंने ये बताया कि वेट ऑन वेट आप कैसे वर्क कर सकते हो सीट पर, जो कि मैंने चित्रपट पेपर यूज किया है। कुछ लोग पेंटिंग बनाते तो हैं, बट वेट ऑन वेट उनको प्रॉब्लम करता है। तो कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि आप वेट ऑन वेट कैसे वर्क करें, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप लोग इसको स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अभी मैंने माउंटेन्स के लिए कलर लिया है अल्ट्रा मरीन स्कारलेट एंड बर्न सियना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी कलर से माउंटेन बनते हैं, बट आप कुछ भी, मतलब आप एक दो कलर थोड़ा सा रेशियो उसका कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग बना के आपको दिखाया है, तो आप देख सकते हैं। एंड थोड़ा सा इस वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, जिससे कि आपको बोरियत महसूस ना हो। और मे भी कुछ लोग फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को, जिससे कि जल्दी जल्दी देख सकें, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले फॉरवर्ड कर दिया है इसको। अभी जो मैंने ब्राइट, जो एकदम आपको ग्रीन दिख रहा होगा, मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया हुआ है। तो आप मार्केट से उसकी ट्यूब ले भी सकते हो, नहीं तो आप सैप ग्रीन एंड गैम्बोज कलर जो आता है उसको मिक्स करके आप ये कलर बना भी सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि इसे पेंटिंग करने के बाद वो डल हो जाती है, वो इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपने कलर्स में ज़्यादा वाटर मतलब मिक्स किया है, तो वो थोड़ा सा ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा डल हो जाता है कलर। अभी जो मैंने ट्रीज़ के लिए डार्क कलर यूज किया है, वो आपका फ्रेंच अल्ट्रामरीन, सैप ग्रीन एंड रॉ साइना कलर है। आप हल्का सा रेड भी डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा डार्क कलर करना है, मीन्स आप वर्मिलियन स्कारलेट कोई भी कलर यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने सीट अभी जो है वेट है, एंड बस कलर को मैंने बस एकदम उस पर छोड़ा है। ऐसा आपको खुद मिक्स नहीं करना है, एंड धीरे धीरे बस को बस उस जगह पर रखना है, वो अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा डिस्टेंस, मीन्स थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं किया है बैक साइड पे। एंड मिडिल ग्राउंड में जो थोड़ा सा मैं ट्रीज़ को डार्क बना रहा हूँ, तो आपको उसका फील दिख रहा होगा। बस कलर को मैं बस छोड़ रहा हूँ, वो अपने आप स्प्रेड हो रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे काम करते हैं वेट ऑन वेट। तो आप अगर पूरी वीडियो देखने वाले, अब इसको प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और भी मैं दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लू एंड सैप ग्रीन मिक्स करके, मीन्स अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड सैप ग्रीन कलर्स थोड़ा सा और डार्क शेड बना रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि डार्क कलर बनाने के ब्लैक यूज करते हैं, वैसे तो मैं एडवाइस नहीं देता हूँ ब्लैक यूज करने का। आपको डार्क बनाना ही है, तो आप अल्ट्रा मरीन ऑरेंज एंड सैप ग्रीन भी मिक्स कर सकते हो, अगर और ज़्यादा डार्क कलर आपको बनाना है ट्रीज़ के लिए। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लू इफेक्ट भी आ रहा होगा, मैंने सेकंड उसमें मैंने जो थोड़ा सा अल्ट्रा मरीन थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो हल्का सा ब्लू इफेक्ट दिख रहा होगा ट्रीज़ पे। एंड थोड़ा मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाना है, इसलिए मैंने सीट को पहले थोड़ा सा वेट कर लिया है ब्रश की हेल्प से, तो वो आपको खुद दिख रहा होगा। और अभी जैसे कि मैंने एक स्ट्रोक्स लगाया, तो पानी के साथ जो कलर भी नीचे की ओर आ रहा है, बट मुझे जो इस साइड कलर नहीं दिखाया था, तो मैंने टिश्यू पेपर से उसको हटा लिया है। आप लोग भी कपड़े का यूज़ ना करके आप टिश्यू पेपर के हेल्प से आप इस पानी या जो भी कलर है उसको आप हटा सकते हो। मीन्स थोड़ा रिफ्लेक्शन और अच्छा दिखे, इसलिए मैं पहले पानी लगा लिया, जिससे कि वो जो भी ट्रीज़ की रिफ्लेक्शन आ रही हो पानी में प्रॉपर मिक्स हो जाए। मीन्स वो हार्ड ना हो, जितनी सॉफ्ट होगी उतना ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी वाटर में, वो आपको दिख रहा होगा उसमें। और थोड़ा सा डिवाइड करने के मैंने हल्का सा ब्रेंड सेना कलर लिया है, और उसको मैं डार्क कर दूंगा रॉ सेना ब्रेंड सेना। एंड हल्का सा अगर आपको और ज़्यादा डार्क करना है, जैसे मैं बाद में करूंगा, रॉ सेना एंड अल्ट्रा मरीन मिक्स करके, तो वो डार्क कलर बना देगा। तो आप देख सकते हो कहीं कहीं मैंने पानी में कहीं कहीं घास वाला एक जो ग्रास है उसको इफेक्ट दिया है, थोड़ा ड्राई ब्रश। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये ड्राई वाला इफेक्ट कैसे आता है, तो अभी जैसे जो मैंने सीट यूज करी है 300 GSM है, तो इसमें थोड़ी रफनेस है, तो आप ब्रश को थोड़ा फ्लैट चलाओगे तो अपने आप एक रफ वाला पार्ट क्रिएट हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरीके काम कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ आपको भी काम करना है, अगर आपको वाटर कलर एक्चुअल में सीखना है, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए।
ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो से ट्यूटोरियल देखने से ही आपको नॉलेज मिलेगी, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक वो चीज़ नहीं आने वाली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आपको कुछ और वीडियो कुछ नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, तो आपको उसका फील दिख रहा होगा कैसे मैं ब्रश से स्ट्रोक चला रहा हूँ। धीरे धीरे एक पेंटिंग में एक डेप्थ क्रिएट हो रही है, वो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि मिडिल ग्राउंड ट्री में डार्क करेंट, पीछे जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही एकदम फॉगी वाला इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि जो माउंटेन्स हैं वो फॉग वाला एक फील आ रहा है उनके बीच में। अभी आप देख सकते हो मैंने थोड़ा ब्रश को फ्लैट चला के ड्राइवर्स का इफेक्ट दिया, इससे ऐसा फील आया कि पानी में कहीं कहीं घास उगी हुई है, कहीं कहीं में वाटर का इफेक्ट दे रखा है। ये जो काम करना है वो सीड्स पूरी तरीके ड्राई हो जाए उसके बाद आपको काम करना है, नहीं तो वो फिर वेट ऑन वेट रहेगी, थोड़ा सा वो उसमें मिक्स होकर के वो ब्लर कर देगा, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।